भारतीय सैनिकों की वीर गाथा भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत में देश पर मर मिटने वाले सैनिकों की कमी नहीं है, परंतु क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना में एक ऐसा सैनिक भी था जो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर फिर भी उन्हें प्रमोशन मिलता है, छुट्टी भी मिलती है और तो और सुबह 4:30 बजे चाय और 9 बजे नाश्ता भी दिया जाता है। उनके रोज शाम को कपड़े इस्त्री करके रखा जाता है और उनके जूते पे रोज पॉलिश भी की जाती है। आप सोचेंगे कि वो सैनिक कौन है और उसने ऐसा क्या किया है कि भारतीय सेना उनको मरने के बाद भी इतना सम्मान दे रही है। तो जान लीजिए, उस सैनिक का नाम है जसवंत सिंह रावत। दोस्तों, आज मैं आपको राइफल मैन जसवंत सिंह की बहादुरी के रोचक तथ्य कहानी स्वरूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। जसवंत सिंह का जन्म सन 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम गुमन सिंह रावत था। जसवंत सिंह रावत 17 साल की उम्र में पहली कोशिश की, लेकिन फौज में भर्ती नहीं हो पाए, परंतु दूसरी बार में वे गढ़वाल राइफल की 4th बटालियन में बतौर राइफल मैन बन करके सेना में भर्ती हुए। 1962 का भारत चीन युद्ध अंतिम चरणों में था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन सीमा युद्ध का मैदान बनी थी। इस इलाके में जाने से लोगों की रूह भी कांपती है, लेकिन वहां हमारे सैनिक लड़ रहे थे। चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार कर अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक आ पहुंचे थे। बीच लड़ाई में ही संसाधन और जवानों की कमी का हवाला देते हुए बटालियन को वापस बुला लिया गया, लेकिन जसवंत सिंह ने वहीं रहने और चीनी सैनिकों का मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति की 2 लड़कियां नूरा और सेला की मदद से फायरिंग ग्राउंड बनाया और 3 स्थानों पर मशीन गन और टैंक रखे। उन्होंने ऐसा चीनी सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए किया, ताकि चीनी सैनिक यह समझ सके कि भारतीय सेना बड़ी संख्या में है और 3 स्थानों से हमला कर रही है। नूरा और सेला के साथ साथ जसवंत सिंह 3 जगह पर जा जाकर हमला करते रहे। इस तरह वे 72 घंटे यानी 3 दिनों तक चीनी सैनिकों को चकमा देने में कामयाब रहे। बाद में दुर्भाग्य से उनको राशन की आपूर्ति करने वाले शख्स को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। उसने चीनियों को जसवंत सिंह रावत के बारे में सारी बातें बता दी, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से जसवंत सिंह को घेर लिया। हमले में सेला मारी गई, जबकि नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया। जब जसवंत सिंह को ये एहसास हो गया कि उनको पकड़ लिया जाएगा, तो उन्होंने युद्धबंदी बनने से बचने के लिए एक गोली खुद को मार ली। चीनी सेना का कमांडर जसवंत सिंह की तबाही से इतना नाराज था कि वो उसका सर काट करके ले गया, लेकिन बाद में चीनी सेना भी जसवंत सिंह के पराक्रम से इतनी प्रभावित हुई कि युद्ध के बाद चीनी सेना ने उनके सिर को लौटा दिया। चीनी सेना ने उनकी पीतल की बनी प्रतिमा भी भेंट की। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और भारतीय सेना बाबा जसवंत सिंह रावत कहती है। जसवंत सिंह रावत ने उस युद्ध में 300 चीनी सैनिकों को मारा था। जसवंत सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हिंदुस्तानी फौज का यह राइफल मैन आज भी सरहद पर तैनात है। उनके नाम के आगे कभी स्वर्गीय नहीं लिखा जाता और उन्हें आज भी बाकायदा पोस्ट और प्रमोशन दिया जाता है।
यहाँ तक कि छुट्टियां भी दी जाती है। इस असाधारण बहादुर जवान का मंदिर बनाया गया है। उनकी सेवा में भारतीय सेना के 5 जवान दिन रात लगे रहते हैं। वे उनकी वर्दी को प्रेस करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं और सुबह शाम नाश्ता और खाना देने के साथ साथ रात को सोने के लिए बिस्तर लगाते हैं। जिस चीन की सेना के खिलाफ जसवंत सिंह ने मोर्चा खोला था, वही चीनी सैनिक आज भी उन्हें उनके सामने झुक करके प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी बाबा जसवंत सिंह रावत की वीर गाथा। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।